सो इन टुडेज वीडियो आई एम गोना शेयर विथ यू ऑल पर्पल प्लस अमेजोन शॉपिंग हॉल। सो रिसेंटली मैंने थोड़ी सी शॉपिंग करी थी पर्पल से एंड कुछ शॉपिंग करी थी अमेजोन से, तो उसका ही ये मिक्सअप हॉल है। सो आई थिंक कि मुझे आप लोगों का ये वाला हॉल शेयर करना चाहिए, आप लोगों के लिए भी ये वाली वीडियो मे भी हेल्पफुल हो सकती है। सो अगर अच्छी लगे ये वाली वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। उसके बगल में जो बेल आइकन उसे जरूर हिट कर देना, उससे आपसे ऐसे वाली वीडियोस कभी भी मिस नहीं होंगे। सो वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो पहली चीज जो मैंने ली थी वो है पर्पल से। सो बेसिकली इट्स अ कोकोनट क्रीम, सो इट्स अ कोकोनट ब्राइटनिंग क्रीम। सो ये फेस क्रीम है बेसिकली जो मैंने थर्ड टाइम बाय करी है, मुझे काफी अच्छी लगती है वाली क्रीम। आपकी स्किन में बहुत ज्यादा डीपली पेनिट्रेट करती है एंड बहुत ज्यादा लाइट वेट फॉर्मूला है एंड इसमें ना कोई पैराबेन है ना कोई सल्फेट है, ये क्रुएल्टी फ्री है, इसमें कोई मिनरल ऑयल भी एडिड नहीं है। एंड जो सेकेंड चीज है मेरे पास वो अगेन गुड वेब्स की है। सो ये गुड वेब्स का मॉइस्चराइजर है। सो इट्स गुड वाइब्स प्लस रेंज का मॉइस्चराइजर है जिसमें एलोवेरा प्लस विटामिन ई प्लस एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज प्लस मॉइस्चराइजिंग डे लोशन है ये। एंड ये काफी लाइट वेट है, मैंने अभी इसे एक वीक तक यूज करा है तो अभी तो मुझे काफी पसंद आ रहा है ये। इसमें मिल्क प्रोटीन भी है, इसमें पैराबेन नहीं है, क्रुएल्टी फ्री है एंड ये 100 ml का है। आई थिंक आपको 200 के अंदर अंदर मिल जाता है। एंड ये जो कोकोनट क्रीम है ये आपको अराउंड 180 समथिंग या फिर 150 तक की मिल जाएगी। देन जो थर्ड चीज है मेरे पास वो है फेस वॉश। सो ये निविया का फेस वॉश है, आपने बहुत सारे हॉल्स में देखा होगा इसे, मैंने काफी बार मंगाया हुआ है बिकॉज मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है। अपना जब मैं मेकअप के बाद नाइट इसको लगाती हूँ ना, इससे अपना फेस वॉश करती हूँ, मेरा फेस बहुत ज्यादा क्लीन हो जाता है और साथ साथ बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज हो जाता है। सो देन उसके बाद आई हैव अगेन एक गुड वाइब्स का प्रोडक्ट है। सो ये गुड वाइब्स का फेस मास्क है जिसको मैंने अराउंड 3 से 4 टाइम यूज करा है। सो ये रेसबेरी एंड पेपरमिंट फ्रेशनिंग फेस मास्क है जो आपकी 15 ग्राम की पैकेजिंग है इसकी। ये इसमें आपको ना कोई पैराबेन ना सल्फेट और ये क्रुएल्टी फ्री भी है। एंड मुझे इसकी सबसे अच्छी बात लगती है इसका कलर बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा क्यूट सा है, पिंकी कलर है। इसका स्मेल भी काफी अच्छी है, इसका जो कलर है वो काफी अच्छा है, एज यू कैन सी पिंक कलर का है। एंड बहुत ही ज्यादा अच्छा फेस मास्क है, आपकी स्किन को बहुत ज्यादा डीपली क्लीन कर देता है एंड बहुत ज्यादा फ्रेश लुकिंग आपको लगता है इसको यूज करने के बाद। एंड मैंने लिया है एक और जो कि अगेन गुड वाइब्स का है। सो ये है स्क्रब। सो ये हवामा मैंगो स्क्रब है जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्क्रब है, मतलब मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है बिकॉज की फ्रेग्रेंस बिल्कुल मैंगो जैसी है। ऐसा लगता है कि आपने कोई मैंगो लेके अपने फेस पे रब कर रहे हो एंड मैंगो मेरा फेवरेट फ्रूट है। सो मुझे काफी अच्छी लगती है इसकी फ्रेग्रेंस, दैट्स व्हाई मुझे ये बहुत पसंद है। एंड इसके अलावा इसमें जो बीड्स हैं वो बहुत ही ज्यादा माइल्ड हैं जो आपकी फेस की स्किन को बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करेंगे, काफी अच्छा फेस स्क्रब है। देन जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो अगेन है NYB का। ये मैंने लिक्विड फाउंडेशन मंगाया था बट मैंने इसे यूज करा, इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही ज्यादा वॉटरी है एंड ना ही इसमें कोई कवरेज है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया वाला फाउंडेशन। ये बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी है, बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं है इसका। सो आप ना ही लो तो अच्छा है, बिल्कुल आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। एंड इसमें कलर भी कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा व्हाइटिश है। इसमें जो कलर लिया था मैंने वो है कैट्स कॉफी लैविशनेस जो मुझे बिल्कुल घटिया लगा, इसकी जो कलर है उसके अलावा जो उसकी कंसिस्टेंसी है, कवरेज तो इसमें इतनी सी नहीं है, आपके फेस को बहुत बेकार वाला लुक देने वाला है। सो आप ना ही लो तो अच्छा है। देन उसके बाद मुझे एक फ्री गिफ्ट भी रिसीव हुआ है। सो अगेन मुझे फ्री गिफ्ट में मुझे सेम ये मिला है। सो ये स्क्रब है मैंगो वाला बट मैंने इसे अभी तक ओपन नहीं करा जस्ट बिकॉज मैंने ये लिया था और मुझे ये फ्री मिल गया। सो मिला फ्री, कुछ अलग ही मिल जाता तो अच्छा लगता बट ठीक है, स्टॉक हो गया इसका मेरे पास, फ्री का चीज है ये।
सो मैंने उसको पैक ही रहने दिया है बिकॉज ये मेरा बहुत सारा बचा हुआ है अभी. सो जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद से मैं उसे यूज करूंगी. देन मूव ऑन करते हैं. अब मैं आपको फेस सीरम दिखाती हूँ जो मैंने अभी 3 फेस सीरम लिए हैं. सो पहला फेस सीरम है ये. सो दिस इज ये वो रोजे वाला फेस सीरम है. ये मैं 10 ml का लिया है. काफी अच्छा है मेरी स्किन के लिए, काफी अच्छे से वर्क करता है. इसमें आपको काफी अच्छे ऑयल मिले हैं. सबसे में ऑयल है, आलमंड ऑयल है, विटामिन ई है एंड ये मेरी स्किन टाइप के लिए काफी अच्छे से वर्क करता है. दैट्स व्हाई मैंने इसे 3rd time बाय करा है. देन उसके बाद मेरा मोस्ट 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 फेवरेट वाला है ये. सो ये मेरा खत्म हो गया था. 30 ml वाला मैंने पहले लिया था बट वो भी खत्म हो चुका था मेरा. सो ये मेरा 3rd पैकेजिंग है. सबसे फर्स्ट टाइम मैंने 10 ml वाली पैकेजिंग ट्राई करी थी, वो मुझे बहुत पसंद आई थी. दैट्स व्हाई मैंने इसे 3rd time बाय करा है. ये विटामिन सी एंड विटामिन B3 फेशियल ऑयल है. इसमें आपको ये एक तरह से ग्लो स्किन ऑयल है एंड इसमें आपको मिल जाता है मलबेरी मिल जाती है इसके अंदर. और ये आपकी अनइवन स्किन को ट्रीट करता है. अगर आपके लार्ज पोर्स हैं तो उसे भी बहुत ज्यादा हद तक मिनिमाइज कर देता है. आपकी स्किन डल है तो उसे बहुत ज्यादा ग्लोई बनाने में हेल्प करता है. एंड ये आपका कोलेजन प्रोडक्शन जो है ना वो काफी अच्छे से करता है. एंड उसके अलावा आपको ब्राइटर और यूथफुल कॉम्प्लेक्शन प्रोवाइड करता है. सो मुझे काफी अच्छा लगता है जिस बिकॉज से हमारी स्किन बहुत ज्यादा अच्छे से ग्लो करती है एंड बहुत हद तक इसने मेरे पोर्स को भी मिनिमाइज करा हुआ है. जो नेक्स्ट सीरम था वो है ये. सो ये गुड वाइब्स का आमंड फेशियल ऑयल है. मैंने इसे 1st time ही ट्राई करा है बट टू बी ऑनेस्ट ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. डेफिनेटली मैं इसे 2nd time जरूर बाय करने वाली हूँ जस्ट बिकॉज मुझे फेशियल सीरम फेशियल ऑयल बहुत ज्यादा अच्छा लगता है अपने स्किन केयर रूटीन में एड करना. तो अब एक और चीज जो मैंने ली थी पर्पल से वो है ये. सो ये बायोटिक का है. ये कुकुम्बर वाटर है, बायो कुकुम्बर पोर टाइटनिंग टोनर विथ हिमालयन वाटर. ये एक तो सुटेबल है हर स्किन टाइप के लिए. अगर स्किन आपकी ऑयली नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए सुटेबल है, ड्राई स्किन वाले चाहो तो यूज कर सकते हो बट ड्राई स्किन के लिए सजेस्ट करूंगी मैं आप हनी वाला यूज करना है इसका, वो भी काफी अच्छा है. देन अब बात करते हैं जो मैंने लिया था Amazon से. सो फर्स्ट प्रोडक्ट Amazon का है वो है दिस. एंड जो नेक्स्ट चीज है मेरे पास वो है फेशियल मिस्ट. सो ये मैंने कोई Amazon से या फिर Flipkart से कहीं से बाय नहीं करा था. ये मुझे मिला था Instagram स्टोर से एंड ये काफी अच्छा फेशियल मिस्ट है. इसका रिव्यू मैंने कर रखा है अपने IGTV पे. आप चाहो तो वहां पे जाकर चेकआउट कर सकते हो. मेरे इंस्टा का हैंडल मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी. सो आप चेक कर सकते हो, इसका फुल रिव्यू है. देन उसके बाद आई हैव दिस. सो दिस इज मॉइस्चराइजर. सो बेसिकली ये ऑयली और एक्नी प्रोन स्किन वालों के लिए है कि ये आपकी स्किन को बहुत ज्यादा ग्रीसी ग्रीसी इफेक्ट नहीं देता है. काफी अच्छा मॉइस्चराइजर है, बहुत ज्यादा लाइट वेट है एंड आपकी स्किन को बहुत ज्यादा मैटिफाई कर देता है. बहुत ज्यादा इची इची वाले लोग आपको नहीं मिलता है इससे. इसमें नीम एंड वेसल मैटिफाइंग मॉइस्चराइजर. ये ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर है. सो ऑयली स्किन वाले अगर आप हो सो उसे ट्राई कर सकते हो, काफी अच्छा है. मैंने मेकअप से पहले इसे ही अप्लाई करा है एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे मेरी स्किन बिल्कुल भी चिप चिप नहीं फील हो रही है. सो काफी अच्छा मॉइस्चराइजर है. एंड ये वाला और ये वाला आप दोनों ट्राई कर सकते हो. ये भी ऑल स्किन टाइप्स के लिए है क्योंकि ये बहुत ज्यादा लाइट वेट मॉइस्चराइजर है. ये दोनों काफी अच्छे हैं, आप जो चाहो वो ट्राई कर सकते हो. ये गुड वाइब्स का है एंड ये है अर्बन बोटानिक्स का. ये दोनों की क्वांटिटी हाँ, ये भी 100 ml है, ये भी 100 ml है. आप जो चाहो वो ट्राई कर सकते हो, दोनों काफी अच्छे हैं. देन उसके बाद मैंने एक लिप स्क्रब पिक करा है. सो ये है निको लिप्स लिप ब्राइट लाइटनिंग स्क्रब बाम. सो ये काफी अच्छा स्क्रब है. एक शॉर्ट रिव्यू ले लेती हूँ उसके बारे में. अगर आपके लिप्स बहुत ज्यादा डार्क हैं और बहुत ज्यादा चैपी चैपी से हैं तो आप इसे यूज कर सकते हो. आपके लिप्स को काफी ब्राइट बना देता है और ना पिंकी पिंकी वाला लुक देता है अगर. एंड ये इसमें तो ऐसा भी लिखा हुआ है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके लिप्स बहुत ज्यादा डार्क हो जाते हैं. सो अगर वो भी इसे ट्राई करेंगे सो उनके लिप्स बहुत ज्यादा लाइट हो जाएंगे, पिंक पिंक का इफेक्ट देगा. सो आई डोंट नो कि कहाँ तक सच है और कहाँ तक झूठ. सो इसको मैं ट्राई करूंगी तो आप लोगों को शेयर कर दूंगी कि इसका रिव्यू क्या था. देन उसके बाद
जो प्रोडक्ट है मेरे पास वो है ये। सो ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट प्रोडक्ट है। सो मेरा हो गया खत्म खत्म। सो जो कि मेरे पास ये है, ये हो गया मेरा पूरा खत्म। सो मैंने ये वाला बाय करा है। बट इससे पहले जो मेरा शेड था वो थोड़ा लिटिल बिट मेरी स्किन टोन के लिए डार्क था, बट ये शेड काफी अच्छा है मेरी स्किन टोन के लिए। सो ये शेड है 128 बॉम न्यूड, और ये जो मेरा शेड था पुराना वाला ये था 230 नेचुरल बफ, एंड ये मुझे अराउंड 240 का मिल गया था। हाँ 290 है इसकी एमआरपी है, बट आपको ऑनलाइन अगर आप चेक करोगे अमेजोन फ्लिपकार्ट पे तो आपको 299 से कम का पड़ेगा, और अगर आप लोकल मार्केट में जाओगे तो वो आपको 299 का ही देंगे। सो बेटर है कि आप ऑनलाइन ट्राई करो ऐसी चीजें। एंड उसके अलावा जो फिटमी का कंसीलर होता है वो भी आपको फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन पे काफी उसकी जो प्राइस होती है अप डाउन होती रहती है। सो आप मेक श्योर करो कि लोकल मार्केट से अच्छा आप ऑनलाइन शॉपिंग करो, वहां पे आपको प्राइजेस काफी अच्छे से मिल जाती हैं, बहुत ज्यादा हाई प्राइस नहीं मिलती है, एंड ऑफर चलते रहते हैं। सो आप मेक श्योर करो कि अगर आप ऐसे कुछ भी ट्राई करना चाह रहे हो या फिर कोई आईशैडो पैलेट, सो आप पर्पल से अगर आईशैडो पैलेट ले रहे हो सो आप को पर्पल से नहीं ना लेके आप तो फ्लिपकार्ट पे जा सकते हो, फिर अमेजोन पे जा सकते हो। वहां पे क्या है ना, प्राइस बहुत ज्यादा अप उसकी डाउन रहती है। कंपेयर करें हम पर्पल और फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन को, तो फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से आप जरूर ट्राई करना। अगर आपको कोई भी अच्छा सा फाउंडेशन या फिर आप देख रहे हो कंसीलर या फिर छोटे पैलेट, सो वहां पे प्राइस आपको बहुत सही मिल जाती है। सो जो मैंने एक्सपीरियंस करा मैंने आपको बता दिया वो चीज। देन उसके बाद आई हैव दिस, सो दिस इज शैम्पू। हाँ जो इसका जो फुल रिव्यू है वो मैंने अपनी आईजीटीवी पे पोस्ट कर रखा है, आप चाहो तो वहां पे जाकर चेकआउट कर सकते हो। एंड ये जो आपको दिख रहा होगा इसमें कॉफी बीन्स है ये, एंड ये आयुर्वेदिक शैम्पू, ये पैलाविटा ऑर्गेनिक का शैम्पू है। ये इसमें एप्पल साइडर विनेगर है, ब्लैक सीड है, ऑनियन है, आयुर्वेदिक है ये, एंड इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि फ्रिजी हेयर को कंट्रोल करता है। सो ये तो मैंने भी उसको देखा है कि मैंने दो बार यूज करा अपने हेयर्स में, और मुझे अपने हेयर्स काफी मैनेजेबल लगे विदाउट कंडीशनर। आपको कंडीशनर की भी नीड नहीं रहती इसके अंदर, क्योंकि ये 2-in-1 है। सो आप जरूर चेकआउट करना इसे, मुझे बहुत अच्छा लगा। सो आई थिंक आप लोगों के लिए काफी अच्छा होगा। एंड मेन बात तो ये ऑर्गेनिक है, सो कोई इसे यूज कर सकता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसके, तो आप जरूर चेक करना। एंड इसका अगर फुल रिव्यू देखना है आपको, सो आप मेरे आईजीटीवी पे जरूर जाना, मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। सो वहां पे इसकी फुल वीडियो है, फुल रिव्यू है इसका, सो आप चेकआउट कर लेना वहां जाके। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मेरा बॉक्स पूरा खाली हो गया है। सो ये सारी चीजें थी जो मैंने ली थी वहां से, क्योंकि मुझे काफी यूज में आती है। एंड जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स मैंने इस बार लिए काफी अच्छे हैं, अफोर्डेबल भी है, एंड मुझे पर्सनली काफी अच्छे लगे हैं, डेट्स व्हाई मैंने शेयर करा। बट जो मैंने एक चीज ली है ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। सो डेफिनेटली आप मेक श्योर करें कि आप अगर फाउंडेशन लेना चाह रहे हैं तो इसको तो बिल्कुल ना लें, आपके पैसे बिल्कुल वेस्ट हैं, बिल्कुल ही ज्यादा वेस्ट है। 100 आई थिंक मुझे 89 या फिर 100 का मिला था ये, तो मैंने लिया था ऐसे ट्राई करने के लिए, बट बिल्कुल वाहियात है। मैं बोलूंगी आपको नहीं लेना चाहिए, ये यूज ही नहीं होने वाला है, आपका पैसे बिल्कुल वेस्ट ले आएंगे। सो इससे अच्छा तो आप लैक्मे का ले लोगे तो वो अच्छा है, बट ये बिल्कुल बेकार है। बट फाउंडेशन के लिए अगर आपको चाहिए तो आप ये ले सकते हो, ये काफी अच्छा फाउंडेशन है, मेरा ऑल टाइम फेवरेट फाउंडेशन है। मैंने इस टाइम पे इसे ही वेयर करके रखा है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज हॉल। सो यही सारी चीजें थी जो मैंने ली है, और मैंने जो अच्छा लगा है मैंने आप लोग का वो शेयर करा, जो मुझे बेकार लगा है मैंने वो भी बता दिया आप लोगों को। सो अगर आप चाहो तो इन्हें चेकआउट कर सकते हो। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छी लगी आज की ये वाली वीडियो या फिर कोई और सा भी हॉल अगर आप देखना चाहते हो सो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलना। एंड शीन हॉल भी जल्दी जल्दी आने वाला है, सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट एंड स्टे ट्यून। मैं अपने चैनल पे गिव अवे भी लाने वाली हूँ,